राधे राधे मेरी YouTube फैमिली। आज मैं बना रही हूँ नारियल की बर्फी। एक चम्मच घी डाला है मैंने कढ़ाई में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना दूध किया है केसर घोलने के लिए। केसर इससे कलर जल्दी आ जाएगा गर्म दूध से। कढ़ाई में नारियल का बुरादा डाल रही हूँ 2.5 कटोरी। ढाई कटोरी नारियल का बुरादा लिया है तो 1 कटोरी मैं दूध लूँगी। इससे थोड़ा कम भी ले सकते हो। कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस चालू कर दी है और एकदम धीमी आंच पे इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से बस सेकना है। इसका कच्चापन चला जाए नारियल का उतना ही सेकना है, 2 मिनट या 3 मिनट ज़्यादा नहीं। दो मिनट हो गए नारियल को अच्छे से रोस्ट होते हुए और मैंने गैस को बंद कर दिया। 1 मिनट मैं ऐसे ही गैस बंद में ही रोस्ट करूँगी, नहीं तो वो जल जाता है नीचे से नारियल। अब मिक्सर जार में मैं 1 कटोरी दूध डाल रही हूँ। आधा कटोरी दूध डाल रही हूँ, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 1 कटोरी में थोड़ा ही कम रहा मेरे। और अभी मैं 2 चम्मच फ्रेश इसमें क्रीम डाल रही हूँ। ये जो अपन घर पे मलाई निकालते हैं ना, वो 2-3 दिन की हो ना वही डालना, ज़्यादा पुरानी मत डालना आप इसमें। दो तीन हरी इलायची डाली है, अगर आप इच्छा हो तो डाल देना, नहीं तो कोई खास बात नहीं, स्किप भी कर सकते हो। अब इन सबको मिक्सर में पीस लेते हैं, मतलब मिला लेते हैं, जो मलाई है वो एक पूरी एक में हो जाएगी, दूध के बराबर हो जाएगी। नारियल के बर्फी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 से थोड़ी सी कटोरी कम मैं चीनी ले रही हूँ। आप अगर मीठा ज़्यादा खाना चाहते हो तो ज़्यादा ले लेना, नहीं तो इससे कम भी ले सकते हो। गैस को मैंने चालू कर दिया, 1-2 बार ऐसे मिला दिया है, उसके बाद में मैं चीनी डाल रही हूँ।
चीनी डालने के बाद में एक दो मिनट के लिए अच्छे से इसको मेल्ट कर दिया है, मिला दिया है, और अब जार वाला वो दूध डाल देते हैं। अब इसमें मैं केसर वाला दूध डाल रही हूँ, जिससे इसमें कलर अच्छा आ जाएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी केसर से। अगर आपके पास केसर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना केसर के भी बना सकते हो, इसमें थोड़ा सा कलर डाल सकते हो, कलर फूड आता है वो डाल सकते हो, नहीं तो आप सफ़ेद भी बहुत अच्छी बनती है बर्फ़ी। मेरे पास केसर था तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। नारियल अब तो पैन छोड़ने लग गया, मतलब कढ़ाई छोड़ने लग गया है, तो मैं गैस को मैंने बंद कर दिया और एक थाली ली है, इसमें मैं घी डाल देती हूँ। घी को अच्छे से थाली में पूरे फैला देती हूँ। अब हम थाली पर अच्छे से पूरे गरम गरम को फैला लेंगे, और ये रूम आप चाहो तो रूम टेम्परेचर में रख सकते हो, नहीं तो फ्रिज में भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर फ्रिज में रखूँगी क्योंकि बेटा कोचिंग सेंटर जाएगा ना, उससे पहले खाकर जाएगा, उसी ने बोला है मम्मी आज बनाऊँ आप मेरे लिए, तो मैंने उसी के लिए ही बनाई है ये। और ऊपर से मैंने गार्निश के लिए यहाँ पर पिस्ता छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ऊपर से डाला है, और मेरे पास यहाँ पर चांदी का वर्क भी है जो कि मैं यहाँ डाल रही हूँ। मेरे पास पहले नहीं था कभी भी, लेकिन इस बार है क्योंकि हमारे नए घर का गृह प्रवेश हुआ था ना, तब हलवाई लेकर आए थे, तब मैंने इसको अपने पास संभाल के रखा था। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो गए मैंने फ्रिज में रखे हुए, और अभी मेरा टाइम हो रहा है 3:15 बज रहे हैं, बच्चा 3:30 बजे जाएगा, उससे पहले मैंने ये तैयार करके रख दी है। मैं इसको बनाने लगी थी 2:45 बजे, और अब मेरी पूरी कंप्लीट तैयार भी हो गई है। बच्चा अब जा रहा है खाने, उसको मैं आवाज़ लगा रही हूँ आ जाएगा तब मैं उसको खिला कर ही भेजूँगी, क्योंकि एक माँ होती है ना, जब बच्चा बोल देता है ना मम्मी बनाओ मेरे लिए, यार मम्मी एक बार बना दो जल्दी से, ऐसे बोलता है ना तो बहुत ही ऐसा लगता है कि नहीं नहीं बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद है, उसको खानी है, इसीलिए मैंने बनाई है। अभी दिन के आप देख लो दोपहर है, बहुत गर्मी भी है, लेकिन फिर भी एक माँ का दिल होता है ना, वो ये कहता है कि नहीं बच्चे ने बोल दिया तो बनाना ही है। मेरे दोनों बेटे कहते थे ना मम्मी आज ये चीज़ बनाओ, तो मैं उनके लिए मतलब खड़ी हो जाती हूँ बनाने के लिए। वजह है एक मेरी बहुत बड़ी, मुझे आज तक कभी स्कूल से इनकी कोई शिकायत नहीं मिली, और घर पर भी किसी ने भी कोई भी कभी भी शिकायत नहीं की। दोनों बच्चे मेरे शांत हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और कभी पढ़ने के लिए मैंने आज तक इनको नहीं बोला कि तुम है ना पढ़ाई करने क्यों नहीं बैठते हो, कभी मस्ती नहीं करते, अपनी धुन में रहते हैं और मेरे पास रहते हैं, मुझसे बातें कर लेते हैं, मेरा जो काम होता है वो कर देते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आज की इस सदी में भी इस तरह से बेटे मिलते हैं क्या, नहीं तो आपको पता है माओं के सामने बच्चे किस तरह से बोलते हैं। लेकिन मेरे तो मैंने गौरव को इधर बुला लिया था, मैंने कहा जाने से पहले खा जाए, इसने बोला नहीं मम्मी लेट हो रही है, मैंने कहा नहीं अब तुमने बोला ना मम्मी एक तो खिला दो मुझे पीस तो खा के जाए, इसने बोला मम्मी बहुत अच्छा बना है, और इसने बोला आप भी तो टेस्ट करो आप भी तो मेहनत करते हो, मैंने टेस्ट किया तो अच्छा बना था, लेकिन इसने खाया ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और छोटे वाले को बुला रही हूँ आ जा तो वो ना चड्डी पहन रखा है इसलिए बोल रहा है नहीं मम्मी।